नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नॉलेज और एंटरटेनमेंट लाया हूँ हंसते हंसते। मैं हूँ मयंक चैंग, आपका एक बार फिर से स्वागत है उस वॉर में जो देश को जोड़ता है, यानी कि माइंड वॉर्स। 16 क्वार्टर फाइनल्स और 4 सेमीफाइनल्स से होते हुए आखिरकार आज हम पहुंच गए हैं माइंड वॉर्स 2020 के फाइनल्स में। क्विजिंग की दुनिया के चमकते सितारे आज यहां होंगे और उनमें से एक टीम को मिलेगा माइंड वॉर्स चैंपियन 2020 का खिताब, एक शानदार ट्रॉफी और 3 लाख का कैश प्राइज। ये है माइंड वॉर्स का ग्रैंड फिनाले। वीडियो गेम की भाषा में इसे कहते हैं फाइनल बॉस फाइट। दिस इज द एंड गेम। आज एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। हफ्तों और महीनों की मेहनत आज रंग लाएगी, क्योंकि नॉलेज के इस पहाड़ का शिखर बस थोड़ी सी दूर है और इस शिखर तक पहुंचने के लिए जान लड़ा देंगे हमारे ब्रेनी योद्धाज। Here are the Mind Warriors of Mind Wars 2020 finale. Team Orange, Pratik Bhandare and Rama Shenvi, Dr. K.V. Hedyavar Higher Secondary School, Goa. Team Yellow, Tatva Rawal and Avir Singh, Scottish High International School, Gurugram, Haryana. Team Purple, Soumi Singhal and Kalp Rawat from Cambridge Court High School, Jaipur, Rajasthan. And Team Green, Aditya Srivastav and Swapnil Singh, Sunbeam English School, Bhagwanpur, Varanasi, Uttar Pradesh. Welcome teams, welcome. How's the finals wala josh? Hi sir. Aaj to aapka josh stratospheric hona chahiye, because ye josh aapka initial thrust hai aur knowledge aapka rocket fuel. Ye dono milke decide karenge ki aap kitna upar jaoge. So high to aap hain hi, abhi aapka josh high hai hi, but how are you feeling right now? Finals ke liye aap pahunch gaye yahan par. This is the end game. How do you feel, Team Orange? Sir, being from the smallest state of India, our strategy is to capture the maximum amount of big states. Very good. Aisa hi ho tathastu meri taraf se. Team Green, aap kya mehsoos kar rahe hain is waqt? So we are very excited. It's a great opportunity for both of us to be a part of such a big initiative and possibly win it. So we are really looking forward to it. And we wish everyone best of luck. देखते हैं कौन जीतता है। I wish the best team wins. Yes, we all wish that, and I am also looking forward to you doing well today, Team Green. Team Purple, आपके मन में क्या उथल-पुथल चल रही है इस वक्त? सर बहुत excited हैं और battle के लिए थोड़े nervous भी हैं। Nervousness is absolutely all right. And we wish best of luck to each and every one of our competitor. Very cool. आप भी अच्छा करें यही मेरी मनोकामना है। Team Yellow, क्या सोच रहे हैं आप? सर अभी तो सर फिर फिलहाल कुछ सोच नहीं रहे हैं, अभी तो टारगेट एक ही है, माइंड वॉर्स को जीतना, और सर प्राउड फीलिंग हो रही है, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस, आप सब डिजर्व करते हैं, आप सबको प्राउड होना भी चाहिए कि अपनी मेहनत के बल पर आप यहाँ तक पहुँचे हैं। वैसे कोई भी रॉकेट अपने आप नहीं उड़ पाता है, ग्राउंड कंट्रोल में कई लोगों की मेहनत लगती है, कॉन्ट्रीब्यूशन होती है एक रॉकेट को लिफ्ट ऑफ कराने में। मुझे ये बताइए एक एक करके कि आपका ग्राउंड कंट्रोल, आपका सपोर्ट कौन कौन रहे हैं? आपके टीचर्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स कौन? टीम ऑरेंज? सर हमारी जो फैमिली है, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारा स्कूल का जो पूरा स्टाफ है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन सबको थैंक करना चाहेंगे। ओके, टीम ग्रीन? माय फैमिली, माय टीचर्स एंड माय पार्टनर हैज बीन वेरी हेल्पफुल। और हमारे स्कूल ने क्विजिंग का बहुत कंड्यूसिव इकोसिस्टम बनाया हुआ है, तो वो लिटिल लिटिल फैक्ट्स जो क्लास में बताते हैं, दैट हेल्प्स अ लॉट ऐसी क्विजेस में। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर टीचर्स एंड आवर स्टाफ। दैट इज वेरी गुड टू हियर। टीम पर्पल? पेरेंट्स, फ्रेंड्स और टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, जैसे कि हमारे अभी छुट्टी है, जब भी हम स्कूल आए तो किसी ने कोई रोक टोक नहीं करी। क्या बात है। टीम येलो? सर सबसे पहले तो हमारे टीचर ने, पेरेंट्स ने, सर मेरे पार्टनर कम फ्रेंड ने, और सर आज उनके विश्वास का नतीजा है कि हम फिनाले में आ गए। मुझे ये सब सुनकर कितना अच्छा लग रहा है। एक उनका कॉन्फिडेंस, उनका सपोर्ट, एनकरेजमेंट, ये सब आप सबका रॉकेट फ्यूल है। एंड रॉकेट फ्यूल अगर आपके साथ है तो वक्त आ गया है लिफ्ट ऑफ का। आर यू गाइस रेडी फॉर दैट? ओके देन लेट्स किक स्टार्ट द माइंड वॉर्स 2020 फाइनल, जिसमें हमेशा की तरह स्कोरबोर्ड होगा इंडिया का मैप। इंडिया बेस्ड सवालों के सही जवाब देकर आपको एक एक करके इंडिया के अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कैप्चर करना है। आप जितने ज्यादा कनेक्टेड स्टेट्स की चेन बनाएंगे, आपके जीतने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे।
हर राउंड में मैं आपको रूल्स समझाता रहूंगा। तीन राउंड के बाद जो टीम कैप्चर करेगी सबसे ज्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वो कहलाएगी माइंड वॉश चैंपियन 2020। वाह, दैट जस्ट साउंड्स नाइस, डजंट इट? आहा, और अगर ऐसा हो गया तो सिर्फ टाइटल नहीं, उन्हें मिलेगी एक शानदार ट्रॉफी और साथ ही 3 लाख का कैश प्राइज। फर्स्ट रनर अप को मिलेंगे 2 लाख रुपए और सेकेंड एंड थर्ड रनर्स अप को दोनों को मिलेंगे 50,000 रुपए। बट नीडलेस टू से यू मस्ट प्ले टू विन द टॉप प्राइज। घर बैठे माइंड वॉरियर्स, आप भी हमारे साथ माइंड वॉर्स खेल सकते हैं बाय डाउनलोडिंग द Z5 ऐप एंड प्लेइंग माइंड वॉर्स। हमारा पहला राउंड है, आप तो जानते ही हैं, बेस कैंप, जहां हर टीम एक सवाल का सही जवाब देकर सुरक्षित कर सकती है अपना होम स्टेट यानी बेस कैंप, जो बहुत जरूरी है, ये गेम में आगे जाकर आपके बहुत काम आएगा। यहां सवाल पास नहीं होंगे, जवाब देने के लिए आपके पास होंगे 30 सेकंड्स। और मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि लेट्स रॉक एंड रोल। ये है फाइनल का पहला राउंड, बेस कैंप। और बेस कैंप में शुरुआत करेंगे टीम ऑरेंज। ये रहा आपका सवाल, Which Goan fort built between 1609 and 1612 derives its name from the Portuguese word for a place where water is collected? Sir, answer is Fort Aguada. Aguada Fort is the correct answer. Well done. आपने अपना बेस कैंप कैप्चर कर लिया है, अब बारी है टीम ग्रीन की। ये रहा आपका सवाल, 4 of the 5 boxers who represented India at the 2008 Beijing Olympics came from which boxing club? Faridabad Boxing Club. Faridabad Boxing Club is not the right answer. The correct answer is Bhiwani Boxing Club. चलिए अब आते हैं टीम पर्पल के पास। ये रहा आपका सवाल, which grandson of Bhim from Mahabharat is worshipped as Khatu Shyamji in Rajasthan? Barbarik. Barbarik is the correct answer. Well done. आपका बेस कैंप आपके पास सुरक्षित। अब बारी है टीम येलो की। टीम येलो, ये रहा आपका सवाल, विच रेवोल्यूशनरी एंड पोएट नोन फॉर हिज रोल इन द काकोरी कंस्पिरेसी पॉपुलराइज द सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना? राम प्रसाद बिस्मिल इज द करेक्ट आंसर। वेल डन। आपने भी अपना बेस कैंप सिक्योर किया है। पहला राउंड खत्म हो चुका है और मुकाबला काफी क्लोज है। पहले राउंड के बाद स्कोर्स हैं कुछ ऐसे, टीम ऑरेंज के पास है गोवा, टीम पर्पल के पास है राजस्थान और टीम येलो के पास है यूपी। टीम ग्रीन, कोई बात नहीं, आगे भी आपको चांसेस मिलेंगे। चलिए, ये तो है राउंड वन में जो हुआ। इंग्लिश में कहावत है कि द नाइट इज डार्केस्ट जस्ट बिफोर द डॉन। माइंड वॉज पर आप चारों टीम्स को कभी कोई एक ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि यार अब तो गेम से बाहर ही हो जाएंगे, अब तो आगे नहीं जा पाएंगे? टीम ऑरेंज, सर क्वार्टर फाइनल्स के बाद लगा कि मतलब आगे नहीं जा पाएंगे, पर हमारे टीचर्स ने साथ दिया, हमें कहा कि मतलब अपने आप को कम मत समझना, और उनके साथ के कारण हम यहाँ पर पहुंच गए। अच्छा, टीम ग्रीन, सर डर तो अभी भी लग रहा है, बट सबसे ज्यादा डर तब लगा था जब क्वार्टर फाइनल में सर्जिकल स्ट्राइक के लास्ट राउंड में टाई होने वाला था और लास्ट क्वेश्चन बचा था, तो वो दोनों टीम्स का हाथ बजर पे था, बट फिर किसी और टीम ने आंसर दे के हमें जितवा दिया। अच्छा, चलो ऐसा भी कभी हो जाता है। टीम पर्पल, सेम एज टीम ग्रीन, वी आल्सो इन आवर क्वार्टर फाइनल्स लास्ट सर्जिकल स्ट्राइक देयर वाज ऑलमोस्ट श्योर दैट वी आर गोइंग टू लूज, बट लक We won and we came here. Team Yellow. एक टाइम आया था जब क्वार्टर फाइनल्स के बाद लगा था कि अब पता नहीं अब आगे क्या होगा, लेकिन सर आज यहाँ पे आए। ये सब जो कुछ हुआ है आपके साथ अलग अलग राउंड में, इस सब के बावजूद आप यहाँ पर माइंड वॉश 2020 के फाइनल में है, एंड ट्रस्ट मी, यू आर हियर बिकॉज यू डिजर्व इट। वक्त है हमारे अगले राउंड का, यानी बिल्ड योर एम्पायर। यहाँ हर टीम से पूछे जाएंगे 3 सवाल उनकी चॉइस की स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बारे में, और हर सवाल के लिए आपको मिलेंगे 20 सेकंड्स। आपके पास एक वेपन होगा डिफेंस का। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए आप डिफेंस वेपन यूज करके एक नए सवाल का जवाब दे सकते हैं, मगर ये डिफेंस वेपन आप दूसरे और तीसरे राउंड में सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। एंड बी अलर्ट, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बाकी टीम्स को पास किए जाएंगे। Okay then, bring it on. Round 2, build your empire.
सबसे पहले टीम ऑरेंज आपसे फिर शुरुआत करेंगे, बताइए आप किस स्टेट से क्वेश्चन चाहेंगे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से ये रहा आपका सवाल। आइडेंटिफाई दिस पर्सनालिटी ऑन द लेफ्ट, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव अ डॉक्टर्स डिग्री? आनंदी गोपाल। आनंदी गोपाल इज द करेक्ट आंसर, वेल डन। महाराष्ट्र आपके पास है, डिफेंस वेपन भी आपके पास है। अब आते हैं टीम ग्रीन के पास। टीम ग्रीन कौन सा स्टेट? हरियाणा। हरियाणा, चलिए हरियाणा से आपका सवाल है ये। विच 19th century king gives his name to a stadium in Faridabad that was earlier known as Mayur Stadium? चंद्रगुप्त मौर्य स्टेडियम। चंद्रगुप्त मौर्य स्टेडियम नहीं है। क्वेश्चन गेट्स पास टू टीम पर्पल। नाहर सिंह स्टेडियम। नाहर सिंह स्टेडियम इज द करेक्ट आंसर, वेल डन। टीम पर्पल को मिलता है हरियाणा, और अगला सवाल भी आप ही के पास आएगा। टीम पर्पल गेट रेडी फॉर दिस, कौन सा स्टेट चुनेंगे आप? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, एमपी से आपका सवाल है। आइडेंटिफाई दिस ब्रीड ऑफ चिकन फ्रॉम द झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश दैट रिसीव्ड अ जीआई टैग इन 2018? कड़कनाथ चिकन। कड़कनाथ चिकन इज द करेक्ट आंसर, वेल डन। ओके, वाओ, एक साथ दो दो स्टेट्स आपने ले लिए हैं, बहुत खूब। अब बारी है टीम येलो की। टीम येलो, कौन से स्टेट से पूछा जाए सवाल? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, ये रहा आपका क्वेश्चन। आइडेंटिफाई दिस जीआई टैग प्रोडक्ट दैट इज आल्सो द सिंबल ऑफ द सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम। सर, वी वुड लाइक टू गो फॉर द डिफेंस वेपन। डिफेंस वेपन, ठीक है। द आंसर टू दिस वुड हैव बीन बांकुरा हॉर्स। चलिए देखते हैं आपका ऑल्टरनेट क्वेश्चन क्या है। इन जुलाई 1995 विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू मेक अ सेल फोन कॉल? ज्योति बासु। ज्योति बासु इज द करेक्ट आंसर, वेल डन। ओके, पहला जो क्वेश्चन है इस राउंड का वो कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं कि इंडिया का मैप कितना रंगीन हुआ है अभी तक। माई गॉड, मुझे तो पर्पल ही पर्पल दिखे जा रहा है हर जगह। यहाँ पर्पल, वहां पर्पल, येलो भी है, थोड़ा ऑरेंज भी है, ग्रीन को थोड़ा सा बकअप करना होगा फिलहाल। ऑलराइट, चलिए आते हैं इस राउंड के आपके दूसरे क्वेश्चन पर। बैक टू टीम ऑरेंज, कौन सा स्टेट चुनेंगे? सर, गुजरात। गुजरात, गुजरात से आपका सवाल है ये। As shown here, Shatrunjay Hills is a Jain pilgrimage site that supposedly has close to 900 shrines. In which town would you find this site? Defense. Okay. The answer would have been Pali Thana. चलिए देखते हैं आपका alternate question क्या है। Which famous 34-side polygonal lake in Ahmedabad was constructed by Sultan Qutbuddin Ahmad Shah II in 1451? Chautis Talab. No, that is not the right answer. Question passes to Team Green. Kankariya Lake. Kankariya Lake is the correct answer. Well done, Team Green. बहुत खूब। गुजरात आपके पास जाता है, और अगला सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा। डोंट वरी, टेंशन दूर। बताइए कौन सा स्टेट चूज करेंगे? चंडीगढ़। चंडीगढ़, चंडीगढ़ से आपका सवाल है ये। व्हाट इमेज फीचर्स ऑन द ओरिजिनल मैनहोल कवर्स डिजाइन्ड बाय ले कॉर्बुसियर फॉर द सिटी ऑफ चंडीगढ़? कॉर्बेट डिजाइन। यस, बट दैट इज द रॉन्ग आंसर। द क्वेश्चन पासेस टू टीम पर्पल। टीम पर्पल, 13 सेकंड्स हैं आपके पास, नहीं जानते हैं। क्वेश्चन पास होता है टीम येलो को। सर, वी गो फॉर रॉक गार्डन। रॉक गार्डन इज नॉट द राइट आंसर। टीम ऑरेंज, रिवर। नो, दैट इज नॉट द राइट आंसर। द करेक्ट आंसर इज द मैप ऑफ चंडीगढ़। द सिंपलेस्ट ऑफ आंसर्स, कभी कभी यस इट इज कहीं रह जाता है बिकॉज वी आर थिंकिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स, बट दैट इज वॉट द आंसर वॉज। टीम पर्पल, कौन सा स्टेट चुनेंगे? छत्तीसगढ़ सर। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आपका सवाल है ये। कोसा इज अ वैरायटी ऑफ व्हिच सिल्क प्रोड्यूस्ड इन छत्तीसगढ़ एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एंथेरिया माइलिटा सिल्कवॉर्म? तुसार सिल्क। तुसार और टसर सिल्क, दैट इज द करेक्ट आंसर, वेल डन टीम पर्पल। छत्तीसगढ़ आपके नाम है, और बहुत वक्त रहते रहते आपने जवाब दे दिया है। Now we come to Team Yellow. Team Yellow, कौन सा स्टेट? बिहार। बिहार,
बिहार से आपका सवाल है ये. In this photo taken on the occasion of Samta Divas, who is Prime Minister Shri Narendra Modi seen paying tribute to? Time's up. Team Orange, would you like to guess? Dr. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad is not the right answer. Team Green. Jagjeevan Ram. Jagjeevan Ram is the correct answer. Well done, Team Green. ये जो खुशी होती है जब आप शायद 100% श्योर नहीं है लेकिन आपने जवाब दे दिया और जब वो सही हो जाए उसकी जो खुशी होती है दैट इज जस्ट अनपैरेलल्ड. वेल डन आउट देयर टीम ग्रीन. यहां पर हमारा जो इस राउंड का सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है. देखते हैं कि इंडिया का मैप, ये स्कोरबोर्ड क्या कहता है. अभी भी काफी पर्पल पर्पल लग रहा है मुझे ये मैप. इसमें थोड़ा येलो भी है, थोड़ा ग्रीन भी है, थोड़ा सा ऑरेंज भी है, बट फिलहाल टीम पर्पल सीम्स टू बी रेसिंग अहेड. चलिए अब आते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन पे इस राउंड में. टीम ऑरेंज, ये रहा आपका इस राउंड का तीसरा क्वेश्चन. कौन से स्टेट से चाहेंगे? कर्नाटका. हियर इज योर क्वेश्चन. व्हाट इज बिलीव टू हैव बीन प्लांटेड बाय बाबा बुदान फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन द हिल्स ऑफ चिकमंगलूर इन द 18th सेंचुरी? Coffee. Coffee is the correct answer. Well done. Okay, अब आते हैं टीम ग्रीन के पास. टीम ग्रीन, सेलेक्ट कीजिए अपना स्टेट. दिल्ली से आपका सवाल है ये. अनीता देसाई, मीरा नायर एंड फॉर्मर सीएम ऑफ दिल्ली शीला दीक्षित आर सम ऑफ द फेमस एलुमनाई ऑफ विच दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज? इट वाज फाउंडेड बाय सर मॉरिस ग्वायर इन 1948. डिफेंस वेपन. Okay, the correct answer would have been Miranda House. Aapka alternate question, dekhte hain kya hai Delhi se. Which former Indian cricketer is the current member of parliament from the East Delhi constituency? Gautam Gambhir. To aap itne gambhir kyun dekh rahe ho? Gautam Gambhir is the correct answer. Well done. Delhi is all yours, Team Green. Ab aate hain Team Purple ke paas. Team Purple, kaun sa state chunenge? Odisha. ओडिशा. ओडिशा से आपका सवाल है ये. नेम द फर्स्ट ग्रेजुएट एंड एडवोकेट ऑफ ओडिशा हु इज आल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन एंड प्राइड ऑफ उत्कल. दादाभाई नारोजी. दादाभाई नारोजी इज नॉट द राइट आंसर. टीम येलो. बीजू पटनायक इज नॉट द राइट आंसर. टीम ऑरेंज. Time's up. Team Green. Madhusudan Das. Madhusudan Das is the correct answer. Well done. Team Yellow से अगला सवाल है, कौन से स्टेट से पूछा जाए? We will go for Assam. Assam. Okay. Assam से ये रहा आपका question. Identify the Assamese cricketer who became the youngest in IPL history to hit a half century in 2019. Riyan Parag, that is the correct answer. Well done. Bahut khoob. Teen questions is round ke complete ho gaye. Ye round complete hota hai. Round 2, build your empire. Yahan. अब देखते हैं कि इसके बाद जो इतना एक्साइटिंग हुआ है राउंड उसके बाद स्कोर्स क्या कहते हैं. लेट्स हैव अ लुक. तो जो इंडिया का मैप है, जो स्कोरबोर्ड है, वो हमें बताता है कि इस वक्त टीम येलो और टीम ऑरेंज के पास है 3 स्टेट्स ईच एंड टीम पर्पल और टीम ग्रीन के पास है 4 स्टेट्स ईच. टीम पर्पल सर, ये फिनाले है तो हमने सोचा क्यों ना क्विज मास्टर क्विज किया जाए, तो हम आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं. मेरा मन तो कह रहा है कि ना ही पूछो तो अच्छा है, लेकिन अब पूछना चाहते हो तो पूछ लो. सर, इफ 5 मैन टेक 5 आवर्स टू मेक 5 चेयर्स, सर देन हाउ मच विल 1 मैन टेक टू मेक 1 चेयर? आई डोंट नो अबाउट दैट मैन, बट मुझे इस सवाल का जवाब देने में कम से कम 6-7 महीने तो लग जाएंगे, ये तो मैं जानता हूँ. डोंट टेल मी कि बाकी किसी के पास भी ऐसे कुछ सवाल है मेरे लिए. एक सवाल पूछना चाहेंगे.
ज्यादा टफ नहीं है, पर क्वेश्चन है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू व्हाट? इट इक्वल्स टू कि मैं जिंदगी में सिर्फ एक बार मैथ्स में पास हुआ, वो था 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स में, मैं उसके अलावा हमेशा फेल हुआ, दैट इज द आंसर। सो आपने एक्चुअली सबसे आसान क्वेश्चन आपने ही पूछा टीम में, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और किसी के पास भी सवाल है ऐसे? सर हमारे पास उनसे इजी सवाल है। मोस्ट नंबर ऑफ नोन एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन व्हिच टू प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम? ये तो मुझे गेस करना पड़ेगा, जैसे कि आपने सेमीफाइनल में बहुत एजुकेटेड गेस मारे थे मुझे याद है। I think the answer is going to be between Mars and Jupiter. That's the correct answer, sir. See, मैं भी आपकी तरह बहुत अच्छा guess मारता हूँ कभी-कभी। हमारा थोड़ा अजीब सा सवाल है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। गाना बजाना है मेरी स्पेशलिटी, देखने में विजर्ड जैसी पर्सनालिटी, ज्ञान की दुनिया का हूँ मैं नवाब, सभी सवालों का दूं मैं जवाब, चारे से देश को रंगीन बना दूं, जरा सोच के बताओ मैं कौन हूँ? क्या ये मैं हूँ? नॉट बैड, आपके चार सरप्राइज क्वेश्चंस में से दो क्वेश्चंस का मैंने आंसर दे दिया। मेरे पास एक आइडिया है, ट्रॉफी, टाइटल, 3 लाख का कैश प्राइज, 2 लाख का फर्स्ट रनर अप, 50,000 का सेकंड एंड थर्ड रनर अप, सब मैं लेके ओके बाय बजा रहा हूं। चलेगा? कौन सी स्टेट लोगे सर आप? मैं तो इंडिया में, मेरा दिल है, मैं पूरा का पूरा इंडिया ले लूंगा यार। फिर हम क्या लेंगे? सबका प्यार चाहिए। नहीं स्टेट्स आप ले लो, मैं बस प्यार ले लूंगा, ठीक है चलेगा? हाँ सर। लेकिन स्टेट्स को और कैप्चर करने के लिए और ये सारे जो ट्रॉफी है, टाइटल है और उसके साथ जो भी कैश प्राइज आपको मिलेगा, उसके लिए थर्ड राउंड वो है बहुत जरूरी। टेंशन, नर्वसनेस, डाउट्स हो सकते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं बाहर फेंको सबको, हटाओ इन सबको और लेट्स गो इन विद सम पॉजिटिव थॉट्स। व्हाट डू यू से? इमेजिन कि तुम माइंड वॉच चैंपियन बन चुके हो, ट्रॉफी तुम्हारे हाथ में है और दुनिया तुम्हारे कदमों में, ऐसे में तुम सबसे पहले क्या करोगे? टीम ऑरेंज, हमारी नॉलेज की जर्नी को हम खत्म नहीं करेंगे, हमें आगे भी एक्सप्लोर करना है और भी ज्ञान हमें पाना है, और जो हमें इस राउंड मतलब इस माइंड वॉर्स के क्विज में मिला है वो हम दूसरों को देने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, टीम ग्रीन। टीम ऑरेंज ने बड़ी अच्छी बात करी कि नॉलेज सिर्फ अपने पास नहीं रखनी चाहिए, नॉलेज बढ़ानी चाहिए। मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ इस बात में, मैं भी अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ लोगों के साथ। अगर मैं कुछ भी यहाँ से सीख के जा रहा हूँ, चाहे वो चंडीगढ़ का मैप चंडीगढ़ के मैन होल्स पे था यही हो, तो मैं अगर दूसरों को बता पाऊँ तो मैं बहुत प्राउड फील करूँगा। वेरी गुड, लेकिन ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है, एंड दिस इज वर्थ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, दैट नॉलेज इज अ ट्रेजर और आप उसे जितना बांटो उतना ही बढ़ने वाला है सबके लिए। टीम पर्पल आप क्या कहते हो, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू? सर पहले हम सपने देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इन पैसों से, इस प्राइज मनी से और इस टैग से जो हमें मिलेगा और हमारे स्टेट को भी मिलेगा, और ये जो टैग मिला है उसको ऑनर करते हुए हमारे जूनियर्स और हमारे आगे आने वाले उनको भी ये माइंड वॉश के बारे में सिखाएंगे, बताएंगे और उनको भी प्रमोट करेंगे कि आप भी जाओ। क्या बात है, और सीखते रहेंगे, दैट इज अ वेरी नोबल थॉट। अगेन टीम येलो आप क्या करोगे? सर ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं है, पर अगर ऐसा हम जीत पाते हैं और ये काफी ऑनर की बात होगी हमारे लिए, और हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं उस प्राइस मनी से, कुछ अच्छा अपने लिए या दूसरों की मदद कर सकते हैं तो वो करने की कोशिश करेंगे पूरी, है ना? ये कोशिश सबकी रहेगी कि हम कुछ अच्छा करें अपने लिए और दूसरों के लिए, और इसी थॉट को लेकर मैं कहता हूँ आगे बढ़ते हैं, है ना? यही पॉजिटिव हैप्पी थॉट लेकर हम राउंड 3 में जानते हैं। अब मन में यही पॉसिबिलिटी रखते हुए शुरू करते हैं हमारा आखिरी राउंड, यानी सर्जिकल स्ट्राइक। हर टीम से पूछा जाएगा एक सवाल, जिसका सही जवाब देकर वो अपनी कनेक्टेड टेरिटरीज में एक और स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऐड कर सकते हैं। यहां सवाल पास नहीं होंगे और सही जवाब देने पर अनलॉक होगा एक बोनस क्वेश्चन। इस बोनस क्वेश्चन से आप या तो अनकैप्चर्ड स्टेट जीत सकते हैं या फिर अटैक करके किसी और का स्टेट कैप्चर कर सकते हैं, मगर यार रिस्क तो है ही ऑब्वियसली,
अगर आप अटैक करते हुए गलत जवाब देते हैं तो आपका एक स्टेट आपसे वापस ले लिया जाएगा। स्कोर्स में कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं, ये तो हमने देख लिया है ऑन द मैप, लेकिन याद रखिए द गेम इजंट ओवर टिल इट्स ओवर। माइंड वॉर्स के पोडियम पर सिर्फ एक ही विनर हो सकते हैं, तो अगर गेम के अंत में दो टीम्स सेम स्कोर पर होगी तो हम खेलेंगे टाई ब्रेक। उसके रूल्स मैं आपको उसी वक्त बताऊंगा अगर ऐसा होता है तो। तो चलिए शुरू करते हैं माइंड वॉर्स 2020 का आखिरी राउंड, सर्जिकल स्ट्राइक। टीम पर्पल, आपके पास डिफेंस वेपन बाकी है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे इफ नीडेड। टीम ऑरेंज, ये रहा आपका सवाल, बाय विच नेम आर दीज फोक आर्टिस्ट्स नोन? This tradition was included in the list of masterpieces of the oral and intangible heritage of humanity by UNESCO. Sir, Kirtan. Kirtan is not the right answer. Correct answer is Baul. Ye Sufi Muslim Sant aapko Bharat mein khaskar se West Bengal, Tripura aur Assam mein milenge. The Baul musicians, the Baul saints. Pehla question haath se gaya, yani bonus question bhi nahi milega. Ab bari hai team green ki. Team green, ये रहा आपका सवाल। This is an image of which impeccable fortress? It was built by Bahadur Shah and the Portuguese when Humayun tried to annex the territory in 1535. So Malwa Fort. Malwa Fort is not the right answer. The correct answer is Diu Fort. ये किला 1961 तक Portuguese राज में था। Operation Vijay के अंतर्गत भारत ने इस किले को भारत का हिस्सा बनाया। ऐसा लग रहा है आपको देख के कि आप कहीं आसपास थे सवाल जवाब के, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई। अब बारी है टीम पर्पल की। टीम पर्पल, ये रहा आपका सवाल। नेम दिस कलरी पायर टू टीचर हु वाज अवार्डेड द पद्मश्री इन 2017। सर मीनाक्षी अम्मा। मीनाक्षी अम्मा, दैट इज द करेक्ट आंसर। वेल डन। What a sigh of relief, what a sigh of relief. और इसी के साथ आपको मिलता है एक स्टेट, बताइए कौन सा चाहेंगे आप? झारखंड। झारखंड, ओके, झारखंड goes to team purple। और मीनाक्षी राघवन के बारे में ये ट्रिविया है कि 2007 में उनके पति वीपी राघवन की मृत्यु के बाद उन्होंने कलरी पट्टो सिखाना शुरू किया, जो वो आज भी सिखाती हैं। You know what this means, team purple? आपको मिल गया है एक बोनस क्वेश्चन। बताइए कि आप सेफ खेलना चाहेंगे या अटैक करना चाहेंगे? सेफ खेलना चाहेंगे। सेफ खेलना चाहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि सेफ खेलते वक्त अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो आपका डिफेंस वेपन अभी भी आपके पास है, ओके? ये रहा सेफ खेलते हुए आपका बोनस क्वेश्चन। इंस्टीट्यूटेड इन 1958 बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, आफ्टर हूम इज इंडियाज हाईएस्ट साइंस अवार्ड नेम्ड? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। शांति भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर इज द करेक्ट आंसर। वेल डन। यस, यू गॉट दैट एज वेल। बहुत खूब टीम पर्पल, ये जो बोनस क्वेश्चन का आपने क्या कमाल का जवाब दिया है, बताइए कौन सा स्टेट लेना चाहेंगे इसके लिए? तेलंगाना। ओके, गिवन। चलिए अब टीम येलो आपकी बारी है, ये रहा आपका सवाल। इन विच 16th सेंचुरी मॉस्क इन अहमदाबाद वुड यू फाइंड दिस फेमस लैटिस वर्क विंडो? दैट इज नॉट द राइट आंसर। द करेक्ट आंसर इज सिद्दी सैयद मॉस्क। ये मस्जिद एक लोकप्रिय IIM के लोगो का हिस्सा भी है, एंड दैट इज IIM अहमदाबाद, विच मीन्स दैट बोनस क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलेगा टीम येलो। और इसी के साथ खत्म होता है माइंड वॉर्स 2020 का ये फाइनल। ट्रूली अ वर्दी परफॉर्मेंस बाय ऑल टीम्स। प्लीज गिव योरसेल्व्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीबॉडी। वेल प्लेड। अब देखते हैं इंडिया के मैप की तरफ और देखते हैं स्कोर्स। स्कोर्स तो साफ साफ बता रहे हैं, जो आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूं, कि माइंड वॉर्स चैंपियन 2020 है टीम पर्पल विद 6 स्टेट्स। कांग्रेचुलेशंस टीम पर्पल। कैम्ब्रिज कोर्ट राजस्थान, बहुत खूब खेला है आपने, बहुत बढ़िया किया है। एंड कुछ देर पहले जो आप इमेजिन कर रहे थे कि अगर आपके हाथ में ट्रॉफी होती तो आप क्या करते, वेल ट्रॉफी बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। एंड अब आपको इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ आपने कहा वो अब असल जिंदगी में होगा। बट बिफोर द ट्रॉफी एंड
प्राइज गेट्स टू यू, अभी कैसा महसूस हो रहा है? व्हाट इज गोइंग थ्रू योर माइंड? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, बस ऐसा लग रहा है कि जो होप कर रहा था वो हमें मिल गया है। बहुत ही बढ़िया, अब बस सपने देखने हैं सर। सपने देखना है, एक सपना तो साकार हो गया है, आगे भी बहुत अच्छे अच्छे सपने आए और वो भी साकार हो, ये मेरी विश है आपके लिए। आपने टाइटल जीता है, शानदार ट्रॉफी जीती है और 3 लाख रुपए का कैश प्राइज भी। इन सेकेंड प्लेस वी हैव टीम ग्रीन, 4 स्टेट्स के साथ टीम ग्रीन, आपको मिलता है 2 लाख रुपए का कैश प्राइज, कंग्रेचुलेशंस। तीसरी पोजीशन पर टीम येलो और ऑरेंज के बीच में टाई है विथ 3 स्टेट्स ईच, कंग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड। आप दोनों को मिलता है 50,000 रुपीज का कैश प्राइज। सभी टीम्स को मैं एक बार फिर से कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा, यू हैव रियली प्लेड वेल, परफॉर्मड लाइक चैंपियंस टुडे एंड ईच वन ऑफ यू इज अ विनर। आई सिंसियरली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि जितने भी आपने चीजें बोली थी कि नॉलेज बांटना चाहेंगे, सपने देखना चाहेंगे, साकार करना चाहेंगे, ये आप करेंगे और आपकी नॉलेज की एक भूख कभी कम नहीं होगी। सिंसियरली फ्रॉम माई हार्ट थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग विद अस, थैंक यू। तो यहाँ खत्म होता है सफर माइंड वॉश 2020 का। उम्मीद है आप सबने घर बैठकर ना सिर्फ ये गेम देखा मगर हमारे साथ खेला भी। Z5 ऐप तो हमेशा आपके साथ रहेगा, तो सवालों के जवाब देते रहिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स। हम बहुत जल्द लौटेंगे एक और जंग के साथ, जहां नए योद्धा होंगे, नए सवाल होंगे, मगर वही स्कोरबोर्ड होगा, वही नॉलेज की तलाश होगी और होगी वही वॉर जो देश को जोड़ती है, यानी माइंड वॉर्स। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गुड बाय।